डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और उनका क्रम यह रहता है कि पहले इनडायरेक्ट आता है और बाद में डायरेक्ट आता है। परंतु अगर आपने क्रम उलट दिया है तो दोनों के बीच में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करना चाहिए, और कुछ एक क्रियाएं ऐसी है जिनके साथ में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता बल्कि फोर का प्रयोग होता है। कौन कौन सी है वो क्रियाएं तो हम देखते हैं। लिखे आप ऐसी क्रियाएं जिनके बाद टू नहीं बल्कि फोर का प्रयोग होता है, ऐसी क्रियाएं जिनके बाद टू नहीं बल्कि फोर का प्रयोग होता है, ऐसी कुछ एक क्रियाएं मुख्य मुख्य क्रियाएं जो मैं आपको बताता हूं। जैसे एक तो आपने सबसे पहले क्या देखा, यह है बॉट, यानी इसकी फर्स्ट फॉर्म हो गई बाई, इसको कहते हैं परचेज, परचेज। उसी तरीके से जैसे अपन कहते हैं कुक, कुक यानी पकाना। इसके अलावा ब्रिंग, यह है ब्रिंग। एक है फैच, एफ ई टी सी एच। केरी, बाई, परचेज, कुक, ब्रिंग, फैच, केरी, मैक। इन क्रियाओं के बाद में, यानी सेंटेंस में अगर मुख्य क्रिया के स्थान पे ये आ रही हैं और अगर आपने ऑब्जेक्ट का क्रम उलट दिया है तो वहां पर आपको टू प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करना चाहिए बल्कि ये क्रियाएं ऐसी हैं जिनके साथ में फोर का प्रयोग करना अधिक सही माना जाता है, इनके साथ में फोर का प्रयोग करना अधिक सही माना जाता है। तो इस तरीके से देखा आपने कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उस पर बात कर रहा था मैं आपसे, और आपको सेंटेंस बताया सबसे पहले आई राइट ए लेटर, और मैंने इसके जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो है उनको अलग अलग विस्तार से आपको समझाया।